स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री सांवलिया क्लासेज में। दोस्तों आज बात करेंगे अपन रीट भर्ती 2022 25 फरवरी 2023 को साइंस मैथ्स का पेपर हुआ था रीट का, है ना। उसकी ऑफिशियल आंसर की आज बोर्ड ने जारी कर दी, तो उस आंसर की के अनुसार आज अपन आंसर देखते हैं, है ना। और आप मिलाइए आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं। तो उसके लिए आपको क्या मास्टर पेपर डाउनलोड करना पड़ेगा। तो ये मास्टर पेपर है और इसी पेपर से अपन आंसर देख रहे हैं। तो आप देखिए वीडियो को पूरा और अपने आंसर चेक कीजिए। पहला प्रश्न, किस जिले में जून माह में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। तो किस माह में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती, तो इसका आंसर बांसवाड़ा, है ना। बांसवाड़ा में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, सुवर्णगिरी राजस्थान के किस दुर्ग को संदर्भित करता है। तो सुवर्णगिरी करता है आपके जालौर को, तो इसका आंसर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, टाबर की मौत माते गायजन वाला लोकगीत कौन सा है। तो टाबर की मौत के माते गाए जाने वाला लोकगीत उसको छेड़ा कहते हैं ना, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी आंसर डी राइट हो जाएगा, है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, छेड़ा कहते हैं उसको। नेक्स्ट, चौथा प्रश्न, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है। तो इसमें बोर्ड ने आंसर माना इसका जल विद्युत शक्ति, है ना, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जल विद्युत शक्ति। नेक्स्ट, पांचवा, कौन सा रचनाकार कवि थे साथे साथ अच्छा गद्यकार भी था। राजस्थानी भाषा का उपयोग किया गया है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा शिवदास गार्डन, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, शिवदास गार्डन। नेक्स्ट, अर्जुन का वृक्ष प्रमुख रूप से किस जिले में मिलता है। तो अर्जुन का वृक्ष मिलता है झालावाड़, है ना, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, झालावाड़। नेक्स्ट, सातवां प्रश्न, राजस्थान में सबसे पुराना प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। सबसे पुराना प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रणथंभौर, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, बिसलदेव रसों में कौन सा रस प्रधान है। तो बिसलदेव रसों में सिंगार रस, तो बोर्ड ने इसका आंसर माना सी सिंगार रस। नेक्स्ट, पन्ना दाई ने किसके जीवन को बचाया। तो पन्ना दाई ने किसके जीवन को बचाया था, उदय सिंह के, तो ऑप्शन नंबर सी, ये तो सिंपल प्रश्न सबको आता है। नेक्स्ट, दसवां प्रश्न, जयपुर में मीनाकारी की कला महाराजा मानसिंह प्रथम द्वारा कहाँ से लाई गई। तो ये लाहौर से लाई गई, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, है ना, लाहौर। नेक्स्ट, राजस्थान में चुन्नी और बारी शरीर के किस अंग पर पहने जाती। चुन्नी और बारी जो शरीर के किस अंग पर पहने जाने वाला आभूषण होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नाक पर, है ना, तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, बारह, राजस्थान में 2013-17 में जन्म पर पुरुष की जीवन प्रत्याशा कितनी थी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी 66.3 वर्ष, 66.3 वर्ष बी ऑप्शन। नेक्स्ट, किस संप्रदाय रा अनुदायी उबाणे पंगा अंगारा माथे निरत करिया करे। तो ये आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जसनाती संप्रदाय, अग्नि नृत्य से संबंधित है ये प्रश्न, जसनाती संप्रदाय, है ना। नेक्स्ट, चौदह प्रश्न, वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है वह क्या कहलाता है। तो वह कहलाएगा आपका पारिक दुर्ग, है ना, पारिक दुर्ग, पारिक बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, मदार बांध किस नदी पर है। तो मदार बांध है आपकी बेड़स नदी पर, तो इसका भी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, बेड़स नदी पर। नेक्स्ट, अलीबख्श ख्याल राजस्थान के कौन से क्षेत्र में प्रचलित है। तो अलीबख्श ख्याल आपके अलवर, अलवर में प्रचलित है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ये है ना, अलवर। नेक्स्ट, सत्रहवां प्रश्न, राजस्थान में नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण कौन सी मृदा उर्वरक है। तो इसका ऑप्शन दो हो जाएगा, भूरी और रेतीली मृदा, है ना, भूरी और रेतीली, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अठारहवां प्रश्न, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय कोटा महाराव की सहायता किस राज्य ने की थी। तो कोटा के करौली के मदन सिंह जी ने की थी, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, 19वां, वगड़ बोली रो मुख्य क्षेत्र है। तो वगड़ कहाँ पर बोली जाती है, तो ये डूंगरपुर बांसवाड़ा, वगड़ क्षेत्र वही होता है ना, तो डूंगरपुर बांसवाड़ा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 20वां प्रश्न,
बीकानेर क्षेत्र में लड़कियों और अछूतों की शिक्षा हेतु किस संस्था ने पुत्री पाठशाला और कबीर पाठशाला स्थापित की थी? तो ये की थी आपकी सर्वहितकारिणी सभा। तो ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर होगा, सर्वहितकारिणी सभा। नेक्स्ट, दिल्ली वडोदरा ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस किस जिले से नहीं गुजरता है? तो ये जयपुर से नहीं गुजरता है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाए, जयपुर से नहीं गुजरता, अलवर दौसा कोटा से गुजरता है। इसने पूछा नहीं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन से जिले में 2011 की जनगणना के अनुसार एसटी का न्यूनतम अनुपात था? तो एसटी का न्यूनतम अनुपात था करौली का, है ना, तो करौली आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट 23वां प्रश्न, निम्न में से किस समारोह का संबंध विवाह से है? तो विवाह का संबंध है आपके टीका, टीका है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पुंची या पोंच आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 24वां का कलाई, सी ऑप्शन हो जाएगा, सी कलाई पर पहने जाने वाला आभूषण होता है। नेक्स्ट, राजस्थान में किस स्थान पर प्रतिवर्ष 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? तो वृक्ष महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? खेजड़ली में, खेजड़ली चिपको आंदोलन से संबंधित है ना। नेक्स्ट 6वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा राजप्रसाद चित्र पैलेस के नाम से जाना जाता है? तो चित्र पैलेस के नाम से जाना जाता है आपका उम्मेद भवन पैलेस जोधपुर, तो ऑप्शन नंबर आपका ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 27वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो कालीबंगा से संबंधित नहीं है, इसमें लोहे के उपकरण इससे संबंधित नहीं है, कि मिट्टी की ईंटें भी वहाँ पर मिली थी, दुर्गीकरण भी है, अग्निकुंड भी है, लेकिन लोहे के उपकरण वहाँ पर नहीं मिले, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 28वां प्रश्न, 28वां, रुक सत्सई रचनाकार कौन है? रुक सत्सई का रचनाकार है लक्ष्मण दान कविया, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, लक्ष्मण दान कविया। नेक्स्ट 29वां प्रश्न, जाड़ोल कुराड़ा नागौर साबणिया बीकानेर नंदलालपुरा जयपुर में क्या समानता है? तो इनमें क्या समानता है? इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ताम्र उपकरणों के भंडार, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर, ताम्र उपकरणों के भंडार। नेक्स्ट, राव गंगा की मृत्यु के बाद 5 जून 1531 में मारवाड़ का शासक कौन बना था? तो मारवाड़ का शासक बना था मालदेव, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, मालदेव, है ना। नेक्स्ट 31वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी राजस्थान में आंतरिक अफवाह की नदी नहीं है? आंतरिक अफवाह की नदी पूछा है, कौन सी नदी नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपकी डी ऑप्शन, जाखम नदी, है ना, प्रतापगढ़ से प्रवाहित होती है जाखम नदी। नेक्स्ट, जाखम बांध बना हुआ प्रतापगढ़ में, है ना। नेक्स्ट, गरासिया जनजाति का मुखिया क्या कहलाता है? तो गरासिया जनजाति का मुखिया कहलाता है सहलोद, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थानी कहानीकार के तौर पर किरणी पिछाण नहीं है, किसकी पहचान नहीं है राजस्थान के कहानीकार में? तो ब्रजमोहन जावलिया, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 34वां प्रश्न, वन विभाग राजस्थान द्वारा प्रशासनिक प्रतिवेदन 21-22 के अनुसार राज्य में कुल वन्य जीव अभ्यारण कितने हैं? तो राजस्थान में वन्य जीव अभ्यारण 27, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 35वां प्रश्न, है मारवाड़ी कठेरी मुख्य बोली नहीं है, यानी ये पूछा मारवाड़ी कहाँ की बोली मुख्य बोली इसने पूछ रखा नहीं है, तो ये भरतपुर आ जाएगा, भरतपुर, है ना, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 36वां प्रश्न, जयपुर के किस शासक ने चाकसू में शीतला माता मंदिर बनाया था? तो चाकसू में शीतला माता का मंदिर बनाया था महाराजा माधो सिंह ने, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सी तिलानी फसल दालों के समान मृदा में नाइट्रोजन स्तर को बढ़ाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका मूंगफली, है ना, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 38वां प्रश्न, वह वृक्ष जिससे कत्था निकाला जाता है, तो कत्था किससे निकाला जाता है? तो कत्था निकाला जाता है आपके खीर से, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, केला देवी का मंदिर कहाँ पर है? तो केला देवी का मंदिर आपके करौली में है, तो 39वां डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 40वां, वह जिला युग्म जहाँ लाल व पीली मृदा पाई जाती है, तो लाल और पीली मृदा कहाँ पर पाई जाती है? अजमेर और सिरोही जिले में, तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 41वां प्रश्न,
41 सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी एक योजना राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से संबंधित नहीं है? तो इसमें शुभ शक्ति योजना ही जो राजस्थान सरकार से संबंधित नहीं है ना, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 42वां प्रश्न, 1977 में पुनरीक्षण समिति की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो डॉक्टर ईश्वर भाई पटेल की अध्यक्षता में इसकी स्थापना हुई थी। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार एक विशेष कक्षा के अंदर बच्चों का नामांकन किसके आधार पर प्रस्तावित किया गया है? तो किसके आधार पर प्रस्तावित किया गया है, तो ये बच्चे की उम्र के आधार पर है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 44वां, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये है आपके स्कूल में दूध वितरण संबंधी, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्राथमिक विद्यालय की अंतिम प्रतिपूर्ति करने से पहले बच्चों के नामांकन का सत्यापन कौन करता है? तो सत्यापन करता है खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 46वां प्रश्न, अक्टूबर 2022 में कोल इंडिया एवं राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के बीच में एक सौर संयंत्र स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो ये हस्ताक्षर किसने किए थे, ये किए गए थे किससे संबंधित थे, पोंगल बीकानेर, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 47वां प्रश्न, केंद्रीय पशुजन प्रजनन फार्म कहाँ पर है? तो सूरतगढ़ में स्थित है, कहाँ पर है, सूरतगढ़ में। नेक्स्ट 48वां प्रश्न, अर्पुला चंदेला किस खेल से संबंधित है? तो ये है आपके राइफल शूटिंग से, राइफल शूटिंग से, ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती? तो 31,000 है ना, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत लाभार्थी की आयु सीमा कितनी है? तो 18 से 60 वर्ष, तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 18 से 60। नेक्स्ट, शिक्षा के क्षेत्र में ICT का सबसे महत्वपूर्ण योगदान, तो महत्वपूर्ण योगदान है शिक्षा तक सरल पहुंच, इसका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 52वां प्रश्न, 52वां प्रश्न है आपके, किस वर्ष की बजट घोषणा में 5,000 से अधिक आबादी वाले गांवों और कस्बों में सरकारी स्कूलों को महात्मा गांधी सरकारी स्कूलों अंग्रेजी माध्यम में बदलने का प्रस्ताव रखा गया? तो ये 21-22 के बजट में, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, 21-22 के बजट में है ना। नेक्स्ट, श्री मधुकर गुप्ता का पद है, तो मधुकर गुप्ता का राज्य निर्वाचन आयुक्त, ये प्रश्न आपके सेकंड ग्रेड में भी आया था है ना, कन्नड़ से संबंधित है, तो राज्य निर्वाचन आयुक्त, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 54वां प्रश्न, आभा नेहरी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो आभा नेहरी उत्सव आपका मनाया जाता है दोसा में, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान RTA नियम 2011 के अनुसार प्रतिपूर्ति वर्ष में 2 बार सीधे की जाएगी, तो ये विद्यालय से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 56वां प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने अधिपत्र द्वारा नियुक्त करता है? तो ये 155, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, 155। नेक्स्ट 57वां प्रश्न, गुरुद्वारा बुद्ध जोहड़ या बूढ़ा जोर किस जिले में स्थित है? तो ये बूढ़ा जोर स्थित है आपके श्रीगंगानगर में है ना, ऑप्शन नंबर आपका बी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, एरिडियोडिस नाइजरिसेप्स किससे संबंधित है ना, तो ये हो जाएगा आपका पक्षी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 59वां प्रश्न, राजस्थान की पहली सूती कपड़ा मिल द कृष्णा मिल्स लिमिटेड की स्थापना की गई थी कहाँ पर की गई थी? तो ये ब्यावर में की गई थी, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, ब्यावर। नेक्स्ट, RTA में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए योग्यताएं अर्हताएं और सेवा शर्तें किससे संबंधित है? ये धारा 23 से संबंधित है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 61, किस शहर में वर्ल्ड सूफी म्यूजियम फेस्टिवल जहान एक खुसरो का आयोजन किया गया था? तो 61 में आपका आंसर हो जाएगा बी, जयपुर में किया गया था, जयपुर। नेक्स्ट, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान की स्थापना कब की गई थी? तो राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान की स्थापना की गई थी 1991, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 63,
पेस्टेडेस पेटेसिस रूमेंटेस नियंत्रण प्रोग्राम किससे संबंधित है ना, तो ये 63 में आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, पशुओं के टीकाकरण से संबंधित है, पशुओं के टीकाकरण से संबंधित है। नेक्स्ट, NEP 2020 के अनुसार 2020 के अनुसार ECCE की का पूर्ण रूप क्या है, ECCE का पूर्ण रूप है आपका प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 65वां प्रश्न, किस दिन से राजस्थान की नई ग्रामीण पर्यटन नीति लागू हुई थी, तो ये हुई थी आपकी 24 नवंबर 2022 को, 24 नवंबर 2022 को, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, 24 नवंबर 2022। नेक्स्ट 66वां प्रश्न, के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण का एक निकाय अद्वितीय है, तो इसमें के का मान निकालना है अपन को, तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, के नॉट इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, है ना, के नॉट इज इक्वल टू 4, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 67वां प्रश्न, बहुपद 4√3x² + 5x − 2√3 के गुणनखंड क्या है, तो इसके गुणनखंड हो जाएंगे बी ऑप्शन, इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, इसके गुणनखंड करेंगे अपन, बीच वाली संख्या के टुकड़े करके कॉमन लेके करते हैं, तो इसका बी ऑप्शन राइट आएगा। नेक्स्ट, जब कोई धन 20% दर से 1.5 वर्ष के लिए दिया जाता है ना, और ब्याज को क्रमशः वार्षिक और अर्धवार्षिक जोड़ने पर 264 का अंतर आता, तो धन कितना था, तो इसका अपन धन निकालेंगे, 24,000 आपका आंसर आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 69, इसके गुणनखंड है, तो इसके गुणनखंड भी आप ए ऑप्शन से हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट, आंकड़ों का बहुलक क्या है, तो 70 वाले में बहुलक पूछा, तो इसमें 15 की पुनरावृत्ति यदि वह हो रही, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 10 मीटर ऊंचे सकवाकार टेंट के आधार की परिधि दे रखी 44 मीटर, टेंट बनाने में कैनवास का क्षेत्रफल क्या है, परिधि दे रखी है, तो उससे परिधि से अपन पहले त्रिज्या निकालेंगे, है ना, और त्रिज्या निकालने के बाद उसका कैनवास का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 268 मीटर, 268.5 वर्ग मीटर, है ना, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, सूत्र के आधार पर सवाल होगा। नेक्स्ट 72 0.1254 बार का भिन्न निरूपण क्या है, तो इसका भिन्न निरूपण हो जाएगा 69/69/550, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 72 है ना। नेक्स्ट तयोत्तर प्रश्न है आपका, तयोत्तर एक प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल उसी के घनमूल का n गुना है, तो वह संख्या क्या है, तो वह संख्या हो जाएगी n की घात 6, है ना, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग से 4 गुना है, यदि संख्या में 18 जोड़ दिया जाए तो अंक अपना स्थान बदल लेते हैं, तो वह संख्या क्या है, तो वह संख्या हो जाएगी आपकी 24, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 75वां प्रश्न, ए तथा बी के पास कुछ सेब है, यदि ए बी को 2 सेब देता है तो ए के पास बी से आधी सेब रह जाती है, यदि बी ए को 10 सेब देता है तो उनके सेबों की संख्या आपस में बदल जाती, तो ए व बी के, ए तथा बी के पास कितने सेब थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 42, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 76वां प्रश्न, 2 संख्याएँ 2:3 के अनुपात में हैं, यदि प्रत्येक संख्या 4 से बढ़ाई जाए तो इनका अनुपात 5:7 हो जाता है, तो दोनों संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, तो इन दोनों संख्याओं का योग हो जाएगा 40, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट 77वां प्रश्न, एक समांतर चतुर्भुज के 2 आसन्न कोण 3x − 4° तथा 3x + 10° है, तो समांतर चतुर्भुज का छोटा कोण क्या हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, 83°, है ना, 3x − 4 + 3x + 10 = 180 मान रखकर अपने x का मान ज्ञात करेंगे, तो छोटा कोण आ जाएगा आपका 83°। 77वां प्रश्न है ना। 78वां दे रखा आपको, यदि x अनुपात y बराबर 3:2 हो तब 2x² + 3y² = 3x² − 2y² का अनुपात कितना आ जाएगा, तो इसका अनुपात आ जाएगा 30:19 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि बहुपद kx² − 3x − 6k के शून्यांकों का योग उनके गुणनफल के बराबर हो तो k का मान आपको ज्ञात करना है, तो इसमें k का मान आ जाएगा आपका -½,
है ना, माइनस हाफ आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 85वां प्रश्न 85। ये कह रहा है 3842 का 1/2 प्लस एक्स का 15% और बराबर दे रखा है 2449। तो एक्स का मान निकालना था, तो 3842 इंटू 1/2 प्लस एक्स इंटू 15% करके अपन एक्स का मान निकालेंगे, तो एक्स का मान आ जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, 3520 हो जाएगा। नेक्स्ट 86वां प्रश्न 86वां कह रहा है दर्शाए गए चित्र में एसी बराबर ए ही है, ए बी बराबर ए डी तथा कौन बी ए डी कौन ई ए सी के बराबर, तो बी सी किसके बराबर हो जाए, तो बी सी बराबर हो जाएगा आपका डी ई के बराबर हो जाएगा, और इसका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 87वां प्रश्न निम्नलिखित में कौन सी एक वास्तविक संख्या नहीं है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका अंडर रूट -4, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हीरे की कीमत उसके वजन के वर्ग के समानुपाती है, चार भागों में उसको तोड़ा जाता है, 1:2:3:4 में टूट जाता है, तो टूटे हुए हीरे को 210,000 कम में बेचा जाता है, तो बताइए हीरे की वास्तविक हीरे का वास्तविक मूल्य क्या है, तो इसमें हीरे का वास्तविक मूल्य आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 89 में दे रखा 5 + 11 √5 + √11 + √19 + √, तो इसका अपन पीछे से करेंगे 49 किसका है 7 7 29 में जोड़ते हैं, तो 36 36 का 6 6 इसमें 19 में जोड़ेंगे, तो 25 25 का 5 5 11 में जोड़ेंगे, 16 16 का 4 4 इसमें 5 में जोड़ेंगे, 9 √9 का वर्गमूल आ जाएगा आपका 3, तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 90 वाला प्रश्न ये कह रहा है दर्शाए गए चित्र में कोण पी क्यू आर का अर्धक पी ए से, तो पी टी लम क्यू आर तथा क्यू कोण क्यू बड़ा है कोण आर से, तो कोण टी पी एस क्या होगा, टी पी एस पूछा है ना, तो ये टी पी एस का मान इन दोनों कोणों के अंतर का आधा होता है ना, इन दोनों कोणों के अंतर का आधा होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 90 में। नेक्स्ट 91 में इसका इधर का 13.608 का स्क्वायर -13.392 है ना का स्क्वायर, तो इसमें a प्लस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर से पहले इसको हल करेंगे, फिर जो आएगा उसका घनमूल निकालेंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1.8 आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट एक दिन के सापेक्ष 45 मिनट का भिन्नांक निरूपण क्या होगा, तो ये 1/32 आ जाएगा, 1/32 आंसर। नेक्स्ट संख्या 21 22 23 40 में से एक संख्या यादृच्छिक रूप से चयन करने पर एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, तो अभाज्य संख्या की प्रायिकता हो जाएगी 1/5 हो जाएगी। नेक्स्ट 94 प्रथम 7 प्रश्नों का मध्य 18 है, अंतिम 7 प्रश्नों का मध्य 20 है, तो 7वां प्रश्न ज्ञात कीजिए, यदि सभी 13 प्रश्नों का योग कितना दे रखा आपको, 19 दे रखा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 19, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 95 लैपटॉप का वर्तमान मूल्य 6561 है, यदि इसके मूल्य में प्रतिवर्ष 10% का ह्रास होता है यानी कमी होती है, तो 3 वर्ष पूर्व इसका मूल्य क्या था, तो 3 वर्ष पूर्व इसका मूल्य 9000, इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चक्रवर्ती ब्याज का सूत्र लगा के इसको अपन आसानी से कर सकते हैं, कमी हुई तो 3 वर्ष पूर्व, तो 90 100 में से 10% घटा देंगे, तो 90/100 इंटू 6561 से इसको आसानी से कर सकते हैं। 96 अब आते हैं आपके साइंस के प्रश्न। एल्कोहलिक किण्वन जो यीस्ट में मिलती है निम्नलिखित अभिक्रिया होती है, तो यीस्ट में मिलती है उसमें कौन सी अभिक्रिया होगी, उसमें पाइरूविक अम्ल है, ये पाइरूविक डी कार्बोक्सिली आ जाएगा एक ही जगह, फिर एसिटाइलडिहाइड के साथ अभिक्रिया करेगा, तो एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 97 जब सल्फ्यूरिक अम्ल अंडे के खोल के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस देता है, तो ये CO2 गैस देता है ना, CO2 गैस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट 2 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड में विद्यमान ऊर्जा होगी जब उसे धरती से 5 मीटर की ऊंचाई पर रखा जाता है, तो 5 मीटर ऊंचाई पर रखा जाता है, तो यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा mgh से ज्ञात करेंगे, m का मान 2 किलोग्राम दे रखा है, g का मान 10 रखना है, और
ऊंचाई दे रखी है 5, तो 5 दो 10, 10 को 10 से गुणा करने 100 जूल आ जाएगी। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से जीवाणु जनित रोग कौन सा है? तो जीवाणु जनित रोग कुष्ठ भी जीवाणु जनित है, क्षय रोग भी जिसको टीबी कहते हैं ये भी जीवाणु जनित है, डिप्थीरिया भी जीवाणु जनित है और टिटेनस भी जीवाणु जनित। तो ऑप्शन नंबर आपका डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 1, 2, 3, 4 चारों ऑप्शन है ना। नेक्स्ट 16वां प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जंतुओं के यकृत में संचित रहता है? तो यकृत में संचित रहता है ग्लाइकोजन है ना, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, ग्लाइकोजन। नेक्स्ट 101वां प्रश्न है आपका, कि विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है? तो यहाँ पर बहुत सारे कन्फ्यूज हो गए थे है ना, विरंजक चूर्ण का सूत्र CaOCl2 होता है और लेकिन CaOCl2 इसमें दे ही नहीं रहता, लेकिन उसका सूत्र CaOCl2 भी होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होता है ना, ये 11 की बुक में दे रखा है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा असंपर्क बल नहीं है? असंपर्क बल नहीं है इसका मतलब कौन सा बल है? संपर्क बल है ना, तो संपर्क बल कौन सा है इसमें? तो घर्षण बल है, जो दो सतहों के मध्य लगता है तो वो संपर्क बल है ना। नेक्स्ट, श्वेताणु जिसमें सेम के बीच की आकृति का बड़ा केंद्रक होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? एक केंद्र को मोनोसाइट कहते हैं उसको, मोनोसाइट। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 104वां प्रश्न है आपका, जब दाब बढ़ाए जाते हैं तो बर्फ का गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जब दाब बढ़ाया जाता है तो बर्फ का गलनांक होगा वो घट जाएगा है ना, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है? प्राकृतिक बहुलक नहीं है इसका मतलब क्या है? कृत्रिम बहुलक है, तो सेल्युलोज प्राकृतिक, स्टार्च प्राकृतिक, आरएनए प्राकृतिक, तो रेयोन आपका आंसर राइट हो जाएगा यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, रेयोन। नेक्स्ट, क्वाशियोर कोर रोग किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से होता है ना, तो ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा, प्रोटीन की कमी से। नेक्स्ट 107, निम्नलिखित में सर्वाधिक संख्या में उपस्थित परमाणु किसमें होते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 12 ग्राम हीलियम। शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो शैवाल की कोशिका सेल्युलोज, गैलेक्टिन और मेनोन्स से बनी होती है, तो 108 में ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सर्वाधिक ग्राही रुधिर समूह में क्रमशः कौन से प्रतिजन व प्रतिरक्षी पाए जाते हैं? तो उसमें ए व बी तो प्रतिजन होंगे और प्रतिरक्षी कोई नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाए, है ना। बी आपका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट 110 है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है CaSO4H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है ना, तो 110 में ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 11, ऊष्मा गतिकी का शून्य नियम किससे संबंधित है? तो शून्य नियम तापमान से संबंधित है ना, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 112, यूकैरियोटिक एवं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाने वाला झिल्ली रहित कोशिकांग कौन सा होता है? राइबोसोम और तारकाय होते हैं ना, तारकाय ऑप्शन में नहीं दे रखा है तो राइबोसोम दे रखा है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 113वां प्रश्न, नील आर्मस्ट्रांग प्रथम बार चांद पर कब उतरे थे? तो नील आर्मस्ट्रांग जुलाई 1969 में चांद पर उतरे थे, तो ये ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जिंक के सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कराने पर क्या होता है? तो इसमें जिंक हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस, सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस बनने की है ना, तो यहाँ पर 114 में ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये 10वीं क्लास में दे रखी है समीकरण है ना, तो ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। सोडियम जिंकेट तथा हाइड्रोजन गैस Na2ZnO2 प्लस H2 गैस निकलेगी। नेक्स्ट 115वां प्रश्न है आपका, पृथ्वी की सतह से लगभग इस ऊंचाई पर एक भूस्थिर उपग्रह को स्थापित किया जाता है, पृथ्वी की सतह से 36,000 किलोमीटर है ना, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, 36,000, अगर केंद्र से पहुंचता तो 42,000 होता है ना, तो 42,000 तो ऑप्शन में ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर 36,000 ही इसका आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, एक कार वर्ताकार गति कर रही है जिसका कोणीय वेग 2π rads/s है, तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? तो उसका आवर्तकाल हो जाएगा 1 सेकंड है ना, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, आवर्तकाल, आवर्तकाल बराबर 1/2 आवृत्ति होगी, इससे आवृत्ति ज्ञात करेंगे और आवर्तकाल इसका 1 सेकंड आ जाएगा। नेक्स्ट, किसान मिट्टी पर अम्लता के प्रभाव को क्या मिलाकर उदासीन करता है? तो
यहाँ पर ऑप्शन नंबर बहुत सारों ने भी किया होगा, जिप्सम है ना, तो जिप्सम तो क्षारीयता के लिए काम में लेते हैं, तो अम्लीयता को दूर करने के लिए तो बुझा हुआ चूना काम में लेते हैं ना, बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 118वां प्रश्न, जब दो समान 6 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में लगाए जाते हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध क्या है, तो समांतर क्रम में तो अपन इसको सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं, R1 R2 R1 प्लस R2, और इसको करेंगे अपन 6 से गुणा 36 36 में 12, तो 3 ऑप्शन है ना, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 ओम। नेक्स्ट बोर के परमाणु मॉडल में निम्नलिखित में से कौन सा H/2π का पूर्ण गुणांक होता है, तो ये होगा कोणीय संवेग, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी कोणीय संवेग। ठीक है, नेक्स्ट 120वां प्रश्न, आंत्र श्लेष्मा उपकला की कौन सी कोशिकाएं श्लेष्मा का स्त्रावण करती है, तो श्लेष्मा का स्त्रावण करती है आपकी गोबलेट कोशिकाएं है ना, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाए, गोबलेट सेल्स। नेक्स्ट एक विद्युत फ्यूज निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो जो विद्युत फ्यूज होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो धारा के तापी सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाए, ऑप्शन नंबर डी धारा के तापी सिद्धांत। नेक्स्ट निम्नलिखित में से एल्काइन की सहजातीय, तो एल्केन एल्काइन सूत्र से इस सवाल को अपन कर सकते थे, एल्केन का सूत्र होगा CnH2n+2, एल्किन का CnH2n और एल्काइन का CnH2n-2 है ना, तो 122 में अपना ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा, C3H4 एल्काइन है ना, प्रोपाइन कहेंगे जिसको। नेक्स्ट निम्न में से किसका जड़त्व सबसे ज़्यादा होगा, तो जड़त्व सबसे ज़्यादा किसका, साइकिल का, स्कूटर का, कार का या ट्रक का, तो ट्रक का जड़त्व सबसे ज़्यादा होगा, जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसका जड़त भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, ट्रक आंसर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 124वां में आपको जंतुओं के विभिन्न उत्सर्जी अंग दिए रखे और जंतुओं को उनके सही उत्सर्जी अंगों से मिलाना है ना, तो प्लेन एरिया में क्या होती है, ज्वाला कोशिकाएँ होती है ना, प्लेन एरिया में क्या होगी, ज्वाला कोशिका, तो ए किससे मिलेगा आपका, डी से मिलेगा, तो इसमें देखो ए किससे मिल रहा है, डी से, तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी तो आपके गलत हो जाएंगे है ना, आपका ऑप्शन नंबर सी व बी बचा। अब केंचुए में जो उत्सर्जी अंग होते हैं वो क्या होते हैं, तो केंचुए में उत्सर्जी अंग वक्र होते हैं ना, तो दो सी से कहाँ मिल रहा है, तो दो सी से आपका सी में मिल रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर है ना, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ये सी। ठीक है, नेक्स्ट वक्र नलिका के अंतिम भाग में जल का पुनरावशोषण किस हार्मोन्स के कारण होता है, तो जल का जो पुनरावशोषण होता है वो वैसोप्रेसिन हार्मोन के कारण होता है, ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर। नेक्स्ट 126 निम्नलिखित में से किस समस्या का सामना भारतीय शिक्षकों को नहीं करना पड़ता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर अपना डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, डी भौतिक संसाधनों के विकास प्रबंधन का सकारात्मक दृष्टिकोण। शिक्षण विधियों द्वारा छात्रों को उनकी संज्ञानात्मक रचना में नए तत्व प्राप्त करने में मदद मिलनी चाहिए, ये किस उपागम से संबंधित है, तो यहाँ पर संज्ञानात्मक उपागम से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट मामूली से मध्यम विकलांगता वाले अधिकांश छात्रों में कारक सीखने में बाधा उत्पन्न करते हैं, तो ये आ जाएगा आपका संज्ञानात्मक कारक, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट 129 गणितीय शिक्षण में PPT का प्रयोग का लाभ क्या है, तो इसका लाभ है क्रमबद्ध तरीके से जानकारी की रूपरेखा बनाना, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट 130वां प्रश्न गणितीय पत्रिका क्या है, तो शिक्षा शास्त्र के बजाय स्पष्ट रूप से गणित पर ध्यान केंद्रित करना, तो 130 में आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, ए डी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट 131 विज्ञान की कक्षा में टीवी पर शैक्षिक कार्यक्रम दिखाने के बाद शिक्षक अधिगम उद्देश्यों पर जीवन चर्चा करता है, शिक्षण सहायक सामग्री के प्रभावी उपयोग के लिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का उपयोग करता है, तो अनुवर्त मूल्यांकन का सिद्धांत, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा है ना, 131 में सी आंसर। नेक्स्ट 132वां प्रश्न निम्नलिखित में कौन सा समस्या समाधान विधि का गुण नहीं है, तो समय की बचत, ये इसका गुण नहीं है, इसका गुण नहीं है समय की बचत, 132 में ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 133 निदानात्मक परीक्षण के पश्चात पाया गया कि मिनरल को सीखने में कठिनाई होने का कारण उसमें रुचि का अभाव तथा प्रत्यक्ष अनुभव की अनुपलब्धता है, ऐसी स्थिति में उपचारात्मक शिक्षण के किस रूप को अपनाया जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा अनौपचारिक शिक्षण, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी। नेक्स्ट 134 प्रश्न है हमारा,
दैनिक जीवन में अलग अलग व्यक्ति एक ही घटना को देखते हैं लेकिन इसकी रिपोर्ट विश्व दृष्टि में भिन्नता होने के कारण अलग अलग तरीके से तैयार करते हैं। ये किस प्रकार का रचनावाद है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सांस्कृतिक रचनावाद, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सांस्कृतिक रचनावाद। नेक्स्ट, विद्यार्थियों की भाषा अभिव्यक्ति योग्यता संगठनात्मक का पता लगाने के लिए यहाँ पर निबंधात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं ना, तो ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 136वां प्रश्न, सूची एक को सूची दो से मिलाना है ना, तो सूची एक को सूची दो से मिलाते हैं तो बर्ट का वर्णन इसने दिया था बुद्धि का पदानुक्रमक सिद्धांत, स्पेयरमैन ने दिया था सामान्यता विशेष कारक, और गार्डनर ने दिया था बहुबद्धु सिद्धांत, स्टीनबर्ग ने दिया था बुद्धि का ट्रायार्की सिद्धांत, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, बालक का विकास प्रभावित होता है तो आनुवंशिकता और वातावरण दोनों से प्रभावित होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 138वां, शैक्षिक लब्धि ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो शैक्षिक लब्धि ज्ञात करने का सूत्र है शैक्षिक आयु अपन देहिक आयु, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शैक्षिक आयु अपन देहिक आयु, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 139वां प्रश्न है हमारा, एक अध्यापक ने कक्षा में पढ़ाया कि हाउस का बहुवचन हाउसेस होता है, इसी अधिगम से विद्यार्थी ने माउस का बहुवचन माउसेस कर दिया, तो ये किस प्रकार, ये ऋणात्मक अधिगम है ना, ऋणात्मक स्थानांतरण। नेक्स्ट 140वां, निम्नलिखित में कौन सा सृजनात्मकता का तत्व नहीं है? तो ये स्मृतिकरण नहीं है, धारा प्रवृत्ता लचीलापन मौलिकता, तो ये स्मृतिकरण नहीं है। सभी मानव में गुणसूत्र कितने होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं ना, 23 जोड़ी होती है, 23 भी ऑप्शन में दे रखा है ना, लेकिन इस गुणसूत्र कितने होंगे? 46 होंगे, तो 141 में आपका डी ऑप्शन राइट हो जाए, ये 46। नेक्स्ट 142, थोंडाई के कौन से प्राथमिक नियम में सीखने के प्रयास एवं त्रुटि विधि की व्याख्या की गई थी? तो ये अभ्यास के नियम में, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट, क्रिया परिषद मुख्यतः किसकी भूमिका पर बल देता है? तो 143 में राइट आंसर पुनः बलन, सी आपका डी आपका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट, मानसिक आयु का संपत्ति किसने दिया था? तो ये दिया था अल्फ्रेड बिन्नी ने, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर 144। नेक्स्ट 145, निम्नलिखित में से कौन सा समायोजन का प्रत्यक्ष तरीका नहीं है? तो इसमें आ जाएगा लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, ऑप्शन नंबर बी भी हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट, फोन, ये कंप्यूटर के प्रश्न है, फोन लाइन एवं मोडेम की सहायता से इंटरनेट कनेक्शन को जोड़ना क्या कहलाता है? तो इंटरनेट कनेक्शन को जोड़ना कहलाता है डायल अप, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 47वां प्रश्न, 47वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ई वॉलेट तथा ऐप HDFC द्वारा पेश किया गया था? HDFC बैंक द्वारा कौन सा ऐप पेश किया गया था? तो ये पेलेज, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 48वां, बिटकॉइन वॉलेट कब जारी किया गया था? तो ये किया गया था 2009 में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, गणितीय भाषा में तालिका क्या कहलाती? तो तालिका कहलाती है रिलेशन, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट, जब डेटा डिवाइस ए से बी को संचारित किया जाता है तो हेडर ए से पांचवी सतह से जाता, जिसे बी की सतह प्राप्त होती, तो कौन सी सतह प्राप्त होती? तो यहाँ पे सेशन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आज की आंसर की थी जो अधीनस्थ बोर्ड ने जारी की थी, इस आंसर की से हम अपने आंसर मिलाइए आप, और देखिए आगे क्या होता है, देखिए। थैंक यू।